तो अपने BSES इलेक्ट्रिसिटी बिल की पेमेंट करने के लिए अब आप BSES की ऑफिशियल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। ऑन करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखेगा। यूजुअली जब भी हम बिल की पेमेंट करने जाते हैं तो हमें CA नंबर और अदर डिटेल एंटर करने की ज़रूरत पड़ती है, तो यहाँ पर इसमें आपको कुछ कोई डिटेल एंटर करने की ज़रूरत नहीं है, आपको लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है, साइनअप करने की ज़रूरत नहीं है। आप बिल पेमेंट अगर करना चाहते तो सिंपली कंटिन्यू टू एज अ गेस्ट इस पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। इसमें से एक ऑप्शन है इंस्टेंट पेमेंट। जैसे आप इंस्टेंट पेमेंट पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर पहला ऑप्शन है, यहाँ आप अपना CA नंबर डाल सकते हैं या फिर आप अपने बिल को स्कैन कर सकते हैं। आपके बिल पे नीचे एक QR कोड होता है इस तरह का, आप देख सकते हैं ये QR कोड है, इसे आप स्कैन कर सकते हैं। जैसे स्कैन करेंगे तो इस तरह की डिटेल आपकी आ जाएगी। इसमें आपने कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ स्कैन करा QR को। इसके बाद आप पे पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा, राइट पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप राइट पर क्लिक करेंगे ये आपको पेमेंट वेबसाइट पर ले जाएगा। यहाँ पर आप कैसे पेमेंट करना चाहते हैं ये सेलेक्ट कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड से करना चाहते हैं, डेबिट कार्ड से करना चाहते हैं, क्रेडिट कार्ड से करना चाहते हैं या डेबिट कार्ड से करना चाहते हैं, नेट बैंकिंग से करना चाहते हैं या वॉलेट से करना चाहते हैं, तो जिस पेमेंट ऑप्शन से आप पेमेंट करना चाहते हैं वो चूज़ कर लेंगे। जैसे डेबिट कार्ड से करना चाहते हैं तो डेबिट कार्ड चूज़ कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे ये सारे ऑप्शन हैं, ऑल वीज़ा एंड मास्टर कार्ड के लिए पहला ऑप्शन आप चूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास वीज़ा या मास्टर कार्ड है। और दूसरे आप यहाँ पर डिटेल देख सकते हैं, ऑल SBI डेबिट कार्ड्स है, बैंक ऑफ बड़ौदा का डेबिट कार्ड है, IDFC फर्स्ट बैंक लिमिटेड का डेबिट कार्ड है, रुपे डेबिट कार्ड है, तो जो भी डेबिट कार्ड आपके पास है उसे आप सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे हमारे पास वीज़ा का है तो ये वीज़ा हमने सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ पर आपको अपना कार्ड नंबर डालना है, आपको यहाँ पर अपने कार्ड की एक्सपायरी डेट डालनी है, यहाँ पे एक्सपायरी ईयर डालना है, यहाँ पे आप अपने कार्ड का CVV नंबर डालेंगे जो कि आपके कार्ड के पीछे होता है, 3 डिजिट का होता है ये, इसमें 3 डिजिट्स होते हैं, वो यहाँ एंटर करेंगे। कार्ड के ऊपर नाम क्या है वो यहाँ आप एंटर करेंगे। उसके बाद पे नाउ पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप पे नाउ पर क्लिक करेंगे आपके पास एक OTP आएगा, वो OTP एंटर करके आप पे पर क्लिक करेंगे, आपकी पेमेंट हो जाएगी। तो इस तरह से बिना CA नंबर डाले आप अपने बिल की पेमेंट कर सकते हैं इंस्टेंटली, वो भी BSES की ऑफिशियल एप्लीकेशन को यूज़ करते हुए। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर ये वीडियो आप YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें, और अगर Facebook पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।